हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मैं हूँ पापिया। पापिया चैनल में आप सबको फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से कुछ बातें करने आ गई हूँ। ऐसे ही बैठी थी, सोचा कि कुछ बातें कर लूँ, तो आज कोई वीडियो नहीं बनाया मैंने। सोचा कि आपके साथ कुछ बातें कर लूँ। और कुछ दिनों से जैसे मैं कॉमेडी वीडियो दे रही हूँ और आप सभी का बहुत ही मज़ा आ रहा है ना, सच सच बताना। और कॉमेडी वीडियो देने का एक ही मकसद है मेरा, सबके फेस पे इतना करके स्माइल लाना। स्माइल करना सबसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ फैमिली ऐसे है उसका ना स्माइल करना भी भूल जाते हैं। कोई मजबूरी तो ज़रूर होगा तभी स्माइल करना भूल जाते हैं, जैसे हम लोग भूल गए थे एक बार। सच में बोल रही हूँ, जब हमारा पोस्टिंग था गुड़गांव में, तब हम लोगों ने हंसना भी भूल गए थे। सबके साथ बात करना, मिलना झुलना, सब कुछ भूल गए थे। तो हमारे जैसा भी कुछ फैमिली होंगे, कुछ क्या, काफ़ी फैमिली है जो हंसना खेलना मतलब सब भूल जाते हैं। जीना तो है ही, जीते हैं, लेकिन खुल के नहीं जी रहे। हमारे साथ भी हुआ था, तभी मैं सोचा कि आप लोगों के साथ ये बात भी शेयर करूं। तो 2016 की बात है, जब हम लोगों के साथ कुछ हुआ था। हम लोग मतलब इतना बीमारी कर के ना सब कुछ मतलब सत्यानाश हो गया था। तो हंसना खेलना ढूलना, सबके साथ बोलना, कैसे बात करना, मतलब चिड़चिड़ापन आ गया था सबके अंदर, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद हम लोग क्या कि हमारा जैसे पोस्टिंग आया था गुजरात में, और गुजरात में जाने के बाद सबके साथ फिर जैसे क्वार्टर में रहने लगे, और एक दूसरे का सबके साथ हम लोग जैसे बोलना मतलब सबके साथ बातें करो, उठना बैठना सब कुछ है, जैसे माहौल होता है परिवार जैसा। और आप सभी को पता ही है, क्वार्टर में रहने से जब यूनिट में रहते हैं तो सब एक फैमिली की तरह रहते हैं। ये नहीं कि जैसे हम उसको नहीं जानते, सबको, जैसे गांव में हम लोग सबको जानते हैं ना, एक एक घर। तो जो जब यूनिट होता है, जैसे अपना यूनिट में भी यही होता है कि सब अपना अपना मतलब सब कौन सा क्वार्टर में रहता है सबको सब पता है। तो वही है, जैसे हम परिवार की तरह है जैसे यूनिट में होता है। तो उधर हम लोगों ने खुल के जिया था गुजरात में, मतलब एकदम बहुत मज़ा किया था। तब हमारा माइंड पूरा एकदम अच्छा हो गया था, जब गुड़गांव में जाने के बाद, जब गुजरात में गए उसके बाद हम लोगों ने खुल के एंजॉय किया सब कुछ, मतलब बहुत मज़ा किया था हम लोगों ने। तो वही बात आप लोग के साथ शेयर कर रही हो। और जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरा वीडियो देखो, खुश रहो और स्माइल करना सीखो। सच में बहुत खूब मज़ा आएगा आप लोगों को। और किसी के पास जैसे मेरा वीडियो नहीं पहुंच रहा है, अगर आप लोग मेरा वीडियो आप लोग उनके पास पहुंचा दो, कि वो भी मेरे मतलब उनको भी फेस पर थोड़ा सा स्माइल आए। बस यही शेयर करने आई थी। आज का वीडियो छोटा सा बनाया था मैंने, इतना सा। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। अगर आगे भी बोलोगे ना कि कॉमेडी वीडियो बनाओ, मैं कॉमेडी वीडियो बनाऊँगी सबका फेस पर थोड़ा थोड़ा करके स्माइल लाने के लिए कोशिश करूँगी। तो बस यही शेयर करने था आप लोगों के साथ। स्माइल करो, एंजॉय करो और लाइफ में खुश रहो। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और जो भी मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो। और कब करोगे सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और मेरे को आगे बढ़ने के लिए हेल्प करो। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।